गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास थ्री में आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 14 स्वतंत्रता दिवस। तो बच्चों हम लोग किताब के साथ पढ़ते हैं पार्ट 14 स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय दिवस है। यह 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए यह दिन सारे देश में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। सारे देश में खुशी का वातावरण होता है। 15 अगस्त सन 1947 में हमारे देश को अंग्रेजों की पराधीनता से स्वतंत्रता मिली थी। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए छिड़े आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवी, श्री बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, श्री जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने किया था। स्वतंत्रता के लिए आज़ादी के दीवाने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऊधम सिंह, बटुकेश्वर दत्त आदि हजारों देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस दिन विशेष समारोह का आयोजन राजधानी दिल्ली में लाल किले पर किया जाता है। इसकी पूर्व संध्या पर महामहिम राष्ट्रपति देश के नाम अपना संदेश देते हैं। इसके उपरांत 15 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। देश के नाम अपना संदेश हैं देते हैं। संदेश के बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है। यह सारा कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्र सीधे प्रसारित करते हैं। राष्ट्रीय दिवस को मनाने के लिए देश भर में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। रात्रि के समय सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। यह हर्ष और उल्लास का महत्वपूर्ण दिवस है। पार्ट 14 स्वतंत्रता दिवस का बच्चों प्रस्तुत करना, दिखाना, विभिन्न अनेक भवन मकान, स्वतंत्रता दिवस, देश की आजादी का दिन, धूमधाम से उल्लास से प्राणों की आहुति देना, बलिदान देना। तो बच्चों अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कब है स्वतंत्रता दिवस, कब मनाया जाता है? तो बच्चों उत्तर होगा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। ख 15 अगस्त को लाल किले का झंडा कौन फहराता है? उत्तर है 15 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। स्वतंत्रता मिलने से पहले हमारे देश पर किसका शासन था? तो बच्चों उत्तर होगा स्वतंत्रता मिलने से पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। घ आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है आजादी के आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि नेताओं ने किया था। प्रश्न नंबर दूसरा है, शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए, जैसे देश धन भक्त बराबर होगा देश भक्त। क कार्य धन क्रम बराबर कार्यक्रम। ख राज धन कुमार राजकुमार। ग योग धन दान बराबर होगा योगदान। घ पाठ धन शाला बराबर पाठशाला। च लाल धन किला बराबर लाल किला। छ प्रधान धन मंत्री बराबर होगा प्रधानमंत्री। तीसरा प्रश्न है,
समझें और लिखें। जैसे राजकुमारी बराबर राजधन कुमारी, इसमें पहला है गुरु भक्त बराबर गुरु धन भक्त, दूसरा नंबर है फुटबॉल बराबर फुट धन बाल, तीसरा है आकाशवाणी बराबर आकाश धन वाणी, चौथा है चार मीनार बराबर चार धन मीनार, पांचवा है राम सेवक बराबर राम धन सेवक, छठवा है राजधानी बराबर राजधन धानी। प्रश्न नंबर चार है, नीचे लिखे वाक्यों से संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्दों को चुनकर भिन्न भिन्न कालम में लिखिए। क स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय दिवस है, तो इस कॉलम में हमने लिखा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। तो स्वतंत्रता दिवस क्रिया है, सर्वनाम हमारा है और विशेषण में राष्ट्रीय दिवस क्रिया है। तो वैसे ही ख देखेंगे प्रधानमंत्री जी लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। ग है तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। घ देखेंगे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। तो यहाँ पे है प्रधानमंत्री, क्रिया है प्रधानमंत्री जी, और इसमें ये विशेष सर्वनाम नहीं है, विशेषण है तिरंगा झंडा फहराते और क्रिया है। तीसरा देखेंगे ग भारत, विशेषण में तिरंगा और क्रिया में है। चौथा देखेंगे प्रधानमंत्री, संज्ञा है, विशेषण है राष्ट्र के नाम और क्रिया है। तो बच्चों पाठ 14 स्वतंत्रता दिवस को आपने पढ़ा, बार बार पढ़िए और प्रश्न उत्तर शब्द कॉपी में लिखिए, सुंदर अक्षर में लिखिए और याद कीजिए। थैंक यू।